कोडिंग्स के बहुत सारे वेज होते हैं। C++ प्रोग्रामिंग के अंदर में डेटा फाइल हैंडलिंग हमें एफ स्ट्रीम का यूज़ करा करके एफ स्ट्रीम डॉट एच iostream.h जैसे आप यूज करते हो उसी के साथ में एफ स्ट्रीम डॉट एच का यूज करा करके हमें डायरेक्टली एसेस कराता है फाइल से, फाइल के अंदर के डेटाज से। और उससे हम लोग बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाज का यूज़ कर सकते हैं और डेटाज को किसी एक प्रोग्राम के अंदर से परमानेंटली सेव कर सकते हैं एक फ़ाइल बना करके, या फिर उस जो डेटाज है उसे हम अगले प्रोग्राम में, दूसरे कोडिंग्स में, दूसरे प्रोग्राम के अंदर में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। हेलो यूट्यूब लर्नर्स, मेरा नाम है कुशल साहू और आज हम देखेंगे C++ के अंदर में डेटा फाइल हैंडलिंग के बारे में, हम फाइल को कैसे एसेस करेंगे। तो उसको देखने से पहले एक ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, इसके अंदर में मैंने एक प्रोग्राम इफ स्ट्रीम का यूज करके किया हुआ है, मतलब इफ स्ट्रीम डॉट एच के अंदर में हम इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम ऐसे यूज करते हैं। इफ स्ट्रीम हम यूज करते हैं किसी भी फाइल के अंदर में से डेटास को रीड करने के लिए, और ऑफ स्ट्रीम का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम उसके अंदर में डेटास को फिर से कुछ नया डेटास हम उसमें इनपुट कर सकें, कुछ उसे सेव कर सकें। हम डेटास को सेव करते हैं, हम डेटास को कैसे सेव करते हैं, हमने कुछ प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर में कुछ हमने इनपुट्स लिए। इनपुट्स कैसे लेते हैं, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं कैसे, सीइन का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये iostream के अंदर में आता है, इसका हेडर फाइल iostream.h है, इसका यूज करके हम लोग यहाँ से कुछ डेटास को लेते हैं, और जब यहाँ से डेटास को लेते हैं उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ऑफ स्ट्रीम का कुछ हम लोग बनाते हैं फिन, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, और उसे हम सेव करते हैं उस डेटा को किसी फाइल के अंदर में। फाइल कहाँ होता है, डिस्क, डिस्क जो होता है उस डिस्क के अंदर में, फाइल के अंदर में, कोई ऐसा स्टोरेज डिवाइस के अंदर में हम लोग उसे सेव करते हैं। और जब सेव करने के बाद में अगर हमें किसी दूसरे प्रोग्राम में कुछ ज़रूरत पड़ गया तो उसे हम वहाँ से ले आते हैं। तो इस स्ट्रीम का मतलब अब थोड़ा समझ लीजिए, इस स्ट्रीम का मतलब समझने के लिए आपको फाइल स्ट्रीम समझना होगा। फाइल स्ट्रीम आता है नाम फाइल, क्योंकि यहाँ हम जो भी करेंगे स्ट्रीम के तर्क वितर्क पे करेंगे, स्ट्रीम को ही हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, मतलब कि हम लोग कुछ बाइट्स, कुछ स्टोरेज है, कुछ स्टोरेज चीज़ है, कुछ डेटाज है, उसे हम लोग किस सीक्वेंस में हम लोग इनपुट करेंगे, किस सीक्वेंस में उसे आउटपुट करेंगे। तो हम उसे करने के लिए एक मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये डिस्क फाइल है या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर में डेटा सेव्ड है। जब इस डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर में, ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं उस डेटा को, तो हम लोग उसे इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। इनपुट स्ट्रीम मतलब कि इनपुट का सीक्वेंस है, इनपुट स्ट्रीम करते हैं, यहाँ से डेटास को हम लोग यहाँ भेजते हैं, डिस्क फाइल के अंदर में स्टोर किया हुआ डेटास को प्रोग्राम के अंदर में भेजते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, उस डेटा को मॉडिफाई करते हैं और यहाँ से हम लोग वापस डिस्क फाइल में डालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। वेरी सिंपल, बस आपको ये देखना है कहाँ से इनपुट कर रहे हैं, कहाँ से आउटपुट कर रहे हैं, और जो वही देखना है वही है सीक्वेंस, वही है स्ट्रीम, और कुछ नहीं है। तो फाइल स्ट्रीम यही है, ये हेडिंग है आपका फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम मतलब फाइल का, डेटास का जो सीक्वेंस है किसी प्रोग्राम के अंदर में यूज करने का, और उस प्रोग्राम के अंदर से हमें फिर से स्टोर करने का, उस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग जो उसे मॉडिफाई करते हैं उसे फिर से डिस्क फाइल में सेव करने का, यही है सीक्वेंस, यही है आपका फाइल स्ट्रीम। तो फाइल स्ट्रीम के बाद में आपको बता दूं कि
किसी भी डेटा को आप अगर सेव करते हो प्रोग्राम के अंदर में, तो उसे आप दो तरीके से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर से आप दो तरीके से सेव कर सकते हो। एक टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव कर सकते हो, दूसरा है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए आपको एक्सटेंशन डालना होता है। जब आप उसे सेव करोगे, जब आप उसमें ऑफ स्ट्रीम का यूज करोगे, ऑफ स्ट्रीम का यूज करके आप कुछ डेटा को सेव करते हो, मैं बताऊंगा कैसे, उसको करने के लिए आपको .txt डालना पड़ता है एक्सटेंशन, ताकि प्रोग्राम जो सेव हो उसको टेक्स्ट फाइल में सेव करे। और इसे करने के लिए .dat डालना पड़ता है, जिसे ये बाइनरी फाइल के रूप में 01010101110 मतलब 1 और 0 के जो बाइनरी फाइल्स होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ को बाइनरी में हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेटा को उसे हम बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके मतलब स्टोर कराने के लिए .dat लगाते हैं। आप स्क्रीन पर एक देख रहे होंगे फिगर, इसके अंदर में आपको दिख रहा होगा कि इनपुट आउटपुट जो है उसे आप फाइल को सेव करने के लिए या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, किसी प्रोग्राम को आप जब लिखते हो तो रैंडम एक्सेस मेमोरी उस टाइम का मेमोरी बन जाता है, कुछ टाइम के लिए वो मेमोरी क्रिएट होता है और उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, और कुछ ऐसे फाइल जो होते हैं जो परमानेंटली सेव होते हैं। तो आपको जो सेकेंड नीचे का जो हाफ दिख रहा होगा उसमें आपको एफ स्ट्रीम दिख रहा होगा, और ऊपर वाले हाफ में आपको iostream.h दिख रहा होगा या फिर iostream बस दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि iostream जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी क्रिएट करता है, इनपुट आउटपुट को वो अलाउ करता है, और एफ स्ट्रीम क्या है कि फाइल को परमानेंटली सेव करने के लिए अलाउ करता है, और फाइल को रीड करने के लिए, फाइल को राइट करने के लिए। इसमें आप फाइल बफ देख रहे होंगे, ये करता है ओपन और क्लोज फंक्शन को ये अपना अलाउ करता है। ये ओपन और क्लोज फंक्शन के जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के फंक्शन मतलब ओपन और क्लोज जो फंक्शन है उसके काम करने को ये अलाउ करता है। और इसमें एफ स्ट्रीम बेस देख रहे होंगे, इफ स्ट्रीम देख रहे होंगे, ऑफ स्ट्रीम देख रहे होंगे, तो यही इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम का यूज हम करेंगे यहाँ पर। किसी भी प्रोग्राम के अंदर में हम एफ स्ट्रीम के अंदर में, मतलब कि हेडर फाइल एफ स्ट्रीम लेंगे, उसके अंदर में हम लोग इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम का यूज करेंगे, ताकि हम किसी फाइल को इंसर्ट कर सकें, फाइल को वहां से रीड कर सकें, या फिर फाइल को हम वहां राइट कर सकें ऑफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम का यूज करके। कैसे होगा ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम का यूज, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप लिखते हो, ये दो टाइप है, फाइल को रीड करना और राइट करना। जब आप इफ स्ट्रीम लिखते हो और उसके अंदर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका, ये इफ स्ट्रीम जो है आप इसे क्लास कह सकते हो जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान के चलिए एफ नाम से, और उस एफ नाम से हम लोग एक फाइल को ओपन करते हैं बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन का f.open यहाँ पर लिखते हैं, और उसे हम यूज़ करते हैं किसी फाइल का जो नेम होता है उसे अंदर में डबल कॉलन ओपन करते हैं, और उस फाइल का नाम, जैसे कि हमारा फाइल का नाम a है, जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा, तो उस a को हम लोग यूज़ करते हैं, और .txt हम लोग उसका जो है एक्सटेंशन लगाते हैं, और ये क्लोज करते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन डालते हैं। ये है इफ़ स्ट्रीम का यूज करके फाइल को ओपन करना, ताकि हम इसमें जो है किसी भी इफ़ स्ट्रीम का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग किसी भी डेटा को, डेटाज कैन बी रीड, किसी भी डेटा को रीड करने के लिए हम लोग इफ स्ट्रीम का यूज करके ए नाम से एक फाइल जो है उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर का डेटा को हम लोग रीड कर पाएँ। अगर यही हम लोग ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं, ऑफ स्ट्रीम बस यहाँ पर चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डेटास को राइट कर सकते हैं, डेटा कैन बी रिटन, मतलब कि हम लोग रीमोडिफाई कर सकते हैं, मोडिफाई कैन बी डन। एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम में बस इतना ही है, और आपको जो मैंने एग्जांपल दिखाया उसमें से आप क्लियर हो जाओगे कि एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम क्या होता है। अब आइए, जब हमने किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को ओपन किया, तो मैं आपको बता दूं कि उसे क्लोज करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये एक बुक के तरह से आप देखिए, जब आपके पास एक बुक है
एक बुक को आपने ओपन किया बाय यूजिंग ओपन और उसे आप क्लोज करना भूल गए, तो उस बुक को तो कहीं पर भी कोई भी यूज कर लेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया उसे क्लोज नहीं किया तो वो प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज हो जाएगा अगर आपने उसे क्लोज़ नहीं किया तो आपको यहाँ पर क्लोज़ करना भी इसेंशियल हो जाता है। उसके लिए आप क्लोज़ का आप फंक्शन यूज करते हो और उस फाइल को आप क्लोज करते हो। नाउ लुक एट दिस प्रोग्राम वेरी केयरफुली। इसमें हमने प्रोसेस डॉट एच, एफ स्ट्रीम डॉट एच, आई स्ट्रीम डॉट एच, कोन्यू डॉट एच सारा लिया हुआ है। प्रोसेस डॉट एच यहाँ पर एग्जिट के लिए लिया हुआ है, एफ स्ट्रीम डॉट एच हम लोग यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम का यूज करने इसलिए लिया हुआ है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली एक ए डॉट टी एस टी फाइल जनरेट कर रहे हैं, उसके अंदर में हम लोग ये कैर सी एच जो है उसे हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर बस उसके अंदर में वैल्यूज़ को सेव कर रहे हैं, परमानेंटली सेव कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे होंगे इफ फाउट है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम वो फाइल ओपन हो सकता है या नहीं। उसके बाद हम अगर ओपन नहीं होगा तो एग्जिट हो जाएंगे, इल्स हम लोग उसके अंदर में सी एच जो वैल्यू है उसे हम लोग वहाँ पर रखेंगे। देखिए ये इसे हम रन करा करके देखते हैं, चलिए रन करा करके देखते हैं। रन कराने पर क्या हुआ, लिंकिंग एरर्स, थैंक यू, ये हो गया है सेव। ओके अब इसे हम दूसरे प्रोग्राम में जा करके चेक करेंगे। अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, इसके अंदर में हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस एक ए डॉट टी एक्स टी जो है यहाँ पर ए नाम का जो फाइल है उसको टेक्स्ट टाइप में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और उसे यहाँ सी आउट सी एच करके शो कर रहे हैं। और इसमें देखिए आप, पहले हमने क्या डाला था, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर में वो नहीं है। इसके अंदर में हम ए के थ्रू लाएंगे, इसे रन करा करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए रन कराने पर दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जबकि ये वर्ड यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है एज यू कैन सी। तो ये जो है ए नाम के जो फाइल है उससे ये वर्ड्स को लाता है यहाँ पर और उसे शो करता है। बस यही है इसमें कि एक डेटा को सेव करने के बाद हम रीयूज़ कर सकते हैं उस डेटा को, हम एक प्रोग्राम के डेटा को दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।